नमस्कार, आप देख रहे हैं आईबी इंडिया न्यूज और मैं हूं इस वक्त आपके साथ सौरभ देव। फैजाबाद सुहावल में दिनांक 2 जून 2018 को भारतीय किसान यूनियन राजनीतिक टिकट गुट की आकस्मिक बैठक फिलखवा ग्राम सभा के ग्राम सभा सचिवालय में आहूत की गई, जिसका मुख्य मुद्दा भारत गांव बंद आंदोलन रहा। भारतीय किसान यूनियन सुहावल इकाई ने भारत गांव बंद आंदोलन का पूर्ण रूप से समर्थन किया। तो खबर फैजाबाद के सुहावल से है, जहां दिनांक 2 जून 2018 को भारतीय किसान यूनियन और राजनीतिक टिकट गुट की आकस्मिक बैठक पिलखावा ग्राम सभा के ग्राम सभा सचिवालय में हुई, जिसका मुख्य मुद्दा था भारत गांव बंद आंदोलन। इस आंदोलन में भारत गांव बंद आंदोलन का पूर्ण समर्थन किया गया। मध्य प्रदेश में किसान यूनियनों द्वारा गांव बंद आंदोलन किया जा रहा है, उसी प्रकार से किसान यूनियन के लोगों ने ये संवेदना व्यक्त की है कि अपने फैजाबाद जिले में गांव बंद आंदोलन करेंगे। जो आज हमारे साथ अनिल पांडे जी मौजूद है, गांव बंद आंदोलन करने का आपका क्या आशय है? देखिए, हमारा तो पूर्ण समर्थन है गांव बंद का। जितने भी किसान संगठन है, हिंदुस्तान के अंदर लगभग 16 संगठनों ने मिलकर के एक साथ ये आंदोलन शुरू किया है। इससे एक प्रभाव यह जाएगा, शहरी क्षेत्र को ज़्यादा इसका प्रभाव जाएगा। गांव से जो सामान सब्जी फल फ्रूट जो भी जाता था शहरों को या बाजार को, वो चीज़ें बंद कर दी गई हैं। इसलिए नहीं कि किसी को परेशानी हो, खाली इसलिए कि हम अपना विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं ताकि सरकारों के कान खुल जाए और हमारी आवाज़ सरकार के कानों तक जाए और किसान हितों की अनदेखी वो ना करने पाए। और मैं पूर्ण इस भारतीय किसान यूनियन इस बंद का पूर्ण समर्थन करती है। तो रही फैजाबाद की बात, तो हम लोग ये कार्यक्रम बना रहे हैं, हम लोग भी पूर्णबंदी में सहयोग करेंगे और फैजाबाद में गांव बंद का हम पूरा खाना तैयार करके गांव बंद किया। जो आप गांव बंद आंदोलन कर रहे हैं, क्या इसकी डेट आपने निर्धारित कर दी गई है कि कब से कब तक आप गांव बंद आंदोलन करेंगे? जी हाँ, इसकी डेट निर्धारित है 1 तारीख से लेकर 10 तारीख तक। ये हमारा आंदोलन 10 दिनों का है। 1 जून से लेकर 10 जून तक ये गांव बंद आंदोलन हमारा अनवरत जारी रहेगा और चलता रहेगा। युवा नेता जो है नकुल पांडे जी हैं, गांव बंद आंदोलन आप करने जा रहे हैं, इससे शहरी क्षेत्र में प्रभाव पड़ेगा क्या? गांव के क्षेत्र में भी प्रभाव पड़ेगा कि शहरी क्षेत्र में प्रभाव पड़ेगा, इस पर आपका कहना है? गांव का जो भी सामान शहरी क्षेत्र में जाता था उसको हमारी किसान यूनियन और जो भी किसान भाई जो है उसको बंद कर दिए हैं। 1 से 10 जून तक ये जो हमारा महा आंदोलन चल रहा है, इसके लिए हमारे तमाम संगठन के लोग हमारे साथ हैं और हम लोग इस आंदोलन को सरकार तक पहुंचाकर और किसान के जो कुछ है, जैसा कि इनका कहना है कि गांव बंद आंदोलन करके सरकार को ये रुझान देंगे कि गांव के जनताओं के साथ जैसा गलत व्यवहार किया जा रहा है उससे ये गांव बंद आंदोलन करके उसकी उपलब्धियां सरकार को अपनी वहां तक पहुंचाएंगे। इस संबंध में हमारे मीडिया प्रभारी जो जिला मीडिया प्रभारी हैं उनसे थोड़ी बातचीत करेंगे कि गांव बंद आंदोलन करने का क्या आशय है। गांव आंदोलन करने का आशय है कि सरकार हमारे गांव की बात को सुन सके, हमारी परेशानियों को सुन सके, हमारे परेशानियों को जान सके। उनके लिए हमारे लोग आवाज़ उठा रहे हैं कि अगला कदम सरकार हमारे किसान के लिए उठा दे।